हार्दिक अभिनंदन सरकार के यशस्वी कर्म योगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल निर्देशन में बिहार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक विकास एवं सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पीएमसीएच के गौरवशाली आधुनिक अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने का जो संकल्प लिया वह पूरा हो रहा है। पुनर्विकास और मास्क को नाक मुंह अब सैनिटाइजर कर दिया। श्री कर्ण कुमार सिन्हा साथी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा श्रीमती नवीन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का आ चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रदूत हम आपसे मेडिकल हॉस्पिटल्स, निजी मेडिकल कॉलेजेस, सदर अस्पतालों में आरटीपीसीआर अथवा ट्रूनेट के माध्यम से कोविड टेस्ट स्वागत करें। हमारे शिलान्यास स्थल पर पधार चुके हैं। स्नेह वंदन करें, अभिनंदन करें, मानवता का शंख बजाकर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं स्थल पर पहुंच चुके हैं, आज मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों, उनकी दूरगामी सोच के कारण आज बिहार पूरे देश और दुनिया में चिकित्सा के बनी मानवता का शक बजाकर हम पुनः अभिनंदन करते हैं। यह वह महान राज्य है जो धर्म नीति को पूरे विश्व में प्रदान किया, एक संदेश देता है। बिहार की यह सर्जनी और आप जैसा कि देख रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, शिलान्यास करने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा माननीय मंत्री स्वास्थ्य पथ निर्माण कला संस्कृति एवं युवा विभाग आदरणीय श्री मंगल पांडे जी के द्वारा जिनके अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया कि पूरे देश और दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को हम छुए और बिहार का यह शिलान्यास। और आप देख रहे हैं कि ईंट यानी नींव रख दी गई है, किया जा चुका और आपसे अनुरोध की जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में ही यह संभव है और हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जो जीवन की कमाई है उसे बाहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हमारे ही राज्य में उपलब्ध है। चिकित्सा के अति उत्तम अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। स्वागत माननीय जिनके अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में लगातार
अथक प्रयास कर रहे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। मंच पर पधारे हमारे बीच माननीय मंत्री संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार। आज इसकी कायाकल्प की शुरुआत आपकी सकारात्मक सोच तथा प्रेरणा की उपज ही है। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी की अग्रणी भूमिका रही। पुनर्विकास परियोजना के इस ऐतिहासिक एवं पावन शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित बिहार के सम्माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री इस जो विकास की नई इमारत लिखी गई है, विकास के जो सुनहरे पंक्तियां लिखी गई है, उसका यह मुझे लगता है कि सर्वोत्कृष्ट क्षण है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल के नींव के हम साक्षी हैं और हिंदुस्तान में बहुत प्राचीन चिकित्सा की परंपरा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामय की जो हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है। और जब आप याद करेंगे चरक को, धनवंतरी को, तो लगेगा कि चिकित्सा के द्वारा सेवा की एक प्राचीन काली विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आरोपित करें। करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने भी अपनी बातों को रखा, जो बात कही है इसके लिए मैं उनको
हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी और हमारे प्रिय स्वास्थ्य मंत्री और उसके अलावे पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री, कला संस्कृति युवा विभाग के भी मंत्री भाई मंगल पांडे जी, माननीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय विधायक नितिन नवीन जी, विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी यहाँ उपस्थित, अन्य सभी अधिकारीगण, बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार झा जी, कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री मनोज कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव श्री डॉक्टर कौशल कुमार जी, कौशल किशोर जी और पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी जी, पीएमसीएच के अधीक्षक श्री ठाकुर जी और इस कार्यक्रम में मेरी नजर पड़ी यहाँ उपस्थित डॉक्टर हरी साहब, डॉक्टर गोपाल सिन्हा जी और पीएमसीएच के विकास के लिए और इसके पुनर्निर्माण के लिए जो कमिटी, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में आप लोगों ने कितना काम किया और सब लोगों में कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। हर प्रकार से आज तक हम लोग कितना टेस्ट करवा रहे हैं, जो टेस्ट हो रहा है आप सोच लीजिए 10 लाख की आबादी में जो देश में जितना टेस्ट हो रहा और बिहार में जो टेस्ट हो रहा, देश का जो 10 लाख की आबादी पर टेस्ट है उससे भी 22,000 ज्यादा टेस्ट एवरेज टेस्ट से ज्यादा अपने बिहार में हो रहा है। एक एक तरह से सोच लीजिए और जब हम केंद्र सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए हम बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि किस तरह से लोगों ने मेहनत किया और यहाँ अपने देश का ही वैक्सीन हो गया और उसी का वैक्सीनेशन और टीकाकरण अब शुरू हो गया। और क्या खुशी हुई है कि अभी जो हम लोग को कल का फिगर ये बता रहे थे कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी टीकाकरण भी हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं। हर प्रकार से हम लोग, आप सोच लीजिए पल्स पोलियो कैंपेन याद करिए, अभी जब सरकार बनी हम लोगों की 2005 में नवंबर महीने में, उसके 7 दिन के अंदर ही दुनिया भर से लोग आए और पोलियो के चलते बहुत नुकसान था। इस तरह से सब जगह का अध्ययन करके आकलन करके कैसे बेहतरीन बनेगा, कितने बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसमें हम लोगों के मन में 5,000 बेड रहा करता था और अभी तो पता चला दूसरे नंबर, उस समय नहीं पता था कि दूसरी जगह 5,000 बेड से भी ज्यादा, ये तो बाद में पता चला कि एक हॉस्पिटल है 5,000 बेड से ज्यादा, लेकिन उस समय हम लोग 5,000 बेड का सोच रहे थे, ये मान रहे थे कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है और ये बनेगा बहुत अच्छा होगा। और पीएमसीएच का कितना लगाव था लोग, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे तो पता चलता था कि पीएमसीएच में इलाज करने के लिए सिर्फ बिहार के लोग नहीं, दूसरे राज्यों के लोग आते थे, ये उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी हिस्से के लोग आते थे, नेपाल के कितने लोग आते थे, कई दूसरे राज्यों से लोग यहाँ इलाज के लिए आया करते थे, तो पीएमसीएच का कितना महत्व था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि पहले जो महत्व था अब उससे और भी बेहतर बने और इसी के लिए सारी बात हुई, कमिटी बन गई, सब कुछ लोगों ने तैयारी कर लिया और एक एक चीज बनाया और उसमें हम लोगों को लगा कि पिछले 5,000 का जो हॉस्पिटल था बेड का उससे भी बड़ा इसके बारे में सोचा गया और सब कुछ किया गया और बहुत अच्छी योजनाएं बन गई।